हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए रोज मजेदार कहानियाँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। किसी गांव में मीना और सीमा नाम की दो बहनें अपनी माँ के साथ रहा करती थी। वो दोनों बहनें दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। मीना दिल की बहुत अच्छी थी और दूसरी तरफ सीमा बहुत ही घमंडी लड़की थी और वो पूरा समय बस अपने दोस्तों के साथ ही घूमा करती थी। वहीं उस गांव में एक श्रापित जंगल था। उस जंगल में जो भी जाता वो लौट कर कभी वापस नहीं आता था। ऐसे ही एक दिन की बात है, बेटी मीना शाम होने को आई है, अभी तक तेरी बहन घर नहीं लौटी, मुझे तो उसके लिए बहुत फिक्र हो रही है। क्यों माँ, सीमा दीदी कहाँ रह गई और अभी तक लौटी क्यों नहीं है? बेटी वो अपने दोस्त पायल के घर गई है। लेकिन माँ, पायल का घर तो उस श्रापित जंगल के पास है, आपने दीदी को वहाँ क्यों जाने दिया? बेटी वो मेरी बात मानती कहाँ है, तो उसे जाकर ढूंढ कर ला। फिर मीना सीमा को ढूंढने घर से निकल जाती है और उसे ढूंढते ढूंढते उसी श्रापित जंगल में पहुंच जाती है। तब उस जंगल के पास उसे सीमा मिल जाती है। मीना सीमा से पूछती है, दीदी आप यहाँ क्या कर रही हो? आपको पता नहीं कि ये श्रापित जंगल है और यहाँ पर जो भी आता है वो कभी भी जिंदा वापस नहीं आता। ठीक है चल, अब तू मुझे ज्ञान मत दे। इतना बोलकर वो दोनों बहनें घर की ओर जाने लगती है। कुछ दूर आकर दोनों बहनें रास्ता भटक जाती है और घने जंगल के अंदर पहुंच जाती है। तभी वहां पर उन दोनों को दो रास्ते दिखाई देते हैं और मीना कहती है, दीदी आपने इन दो रास्तों के बारे में कभी सुना है क्या? अब हमें किधर जाना चाहिए? मुझे नहीं पता, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तभी वहाँ पर एक जादूगरनी प्रकट हो जाती है। दोनों बहनें जादूगरनी को देखकर बहुत डर जाती है। तभी जादूगरनी कहती है, तुम दोनों का मेरे जादुई दो रास्ते में स्वागत है। शायद तुम दोनों रास्ता भटक गए हो, पर तुम दोनों फिक्र मत करो, मैं तुम दोनों की मदद करूंगी रास्ता ढूंढने में। हमें क्या करना होगा जादूगरनी जी? तुम दोनों को इन दोनों में से किसी एक रास्ते में आगे जाना होगा। लेकिन हम कौन सा रास्ता में जाएंगे? इनमें से एक रास्ते में आगे जाकर तुम्हें एक परी मिलेगी जो तुम्हें घर जाने का रास्ता बताएगी, और दूसरे रास्ते में एक पेड़ मिलेगा जिसके पास बहुत सारे सोने सिक्के हैं। अब तुम दोनों को सोचना होगा कि तुम किस रास्ते पर जाओगी। सोने के सिक्के की बात सुनकर सीमा के मन में लालच आ जाता है और वो जादूगरनी से कहती है, मुझे तो उस पेड़ के पास ही जाना है और मैं तो परी के पास जाऊंगी, क्योंकि मेरे माता पिता ने हमेशा सिखाया है कभी लालच नहीं करना चाहिए। फिर वो दोनों बहनें अपने अपने रास्ते में आगे चले जाते हैं। कुछ दूर जाकर मीना को एक सुंदर सी परी मिलती है। फिर परी मीना से कहती है, बेटी स्वागत है तुम्हारा मेरी दुनिया में, इतने सालों में पहली बार कोई यहाँ पर आया, चलो मेरे साथ। परी मीना को अपने साथ अपने घर ले जाती है और मीना के लिए अपने जादू से अच्छे अच्छे पकवान लाती है। उसके बाद मीना खुशी खुशी खाना खाती है। खाना खाने के बाद मीना परी से कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी, इतना स्वादिष्ट खाना खिलाने के लिए। अब मुझे घर जाना होगा, कृपा करके मुझे घर छोड़ दो। फिर परी अपने जादू से मीना को उसके घर पहुंचा देती है और वहीं दूसरी तरफ सीमा उस जादुई पेड़ के पास पहुंच जाती है। वो पेड़ एक भूतिया पेड़ था। मुझे पता है तुम यहाँ सोने के सिक्के लेने आई हो, इस पेड़ के नीचे बहुत सारे सोने के सिक्के दबे हुए हैं। तुम भी इस पेड़ के नीचे से सोने के सिक्के निकाल लो, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा, अगर तुम्हें कुछ नहीं मिला तो मैं तुम्हें जला दूंगा। ये बात सुनकर सीमा खुशी से पागल हो जाती है और उसके बाद सीमा खुदाई करना शुरू कर देती है। कुछ देर खुदाई करने के बाद भी सीमा को कुछ नहीं मिलता और वो कहती है, मुझे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला और मैं बहुत थक गई हूँ और मैं अब खुदाई नहीं कर सकती। ये सुनकर पेड़ हंसने लगता है और सीमा से कहता है, अब तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, सोने के सिक्के की बात सुनकर लालची होकर तुम मेरे पास आ गई, अब देखो तुम्हारे साथ क्या होगा। उसके बाद वो पेड़ अपने जादू से सीमा को जलाने लगता है। अरे मुझे बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ प्लीज, मुझे माफ कर दो पेड़ जी, अब से मैं ऐसा नहीं करूंगी और कभी भी लालच नहीं करूंगी। तुमने मुझे वादा किया था, वो वादा यही था, अगर तुमको कुछ नहीं मिलेगा तो मैं तुम्हें जला दूंगा, पर तुम सोने के सिक्के की इतनी लालची थी कि तुमने सुना ही नहीं। फिर पेड़ अपने जादू से सीमा को अपने घर भेज देता है।
अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था और उस दिन के बाद से वो कभी लालच भी नहीं करती। वहीं दूसरी तरफ मीना अपनी माँ के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही नई मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।